हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज सब जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास ग्रुप थ्योरी के जो क्वेश्चन जो नेट में, गेट में या आपके नेट JRF में पूछ जाते हैं। सभी कंपटीशन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, ये पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रुप वर्ड क्या होता है। ग्रुप वर्ड, सेमी ग्रुप एंड मोनोवर्ड डेफिनेशन पढ़ने के लिए पहले हम ग्रुप की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने इसी में लिखा है। ग्रुप क्या होता है फ्रेंड्स? लेट जी बी आ नॉन एम्प्टी सेट। जी को यह वो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है एंड स्टार को यह हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। डिफाइन ऑन इट देन द स्ट्रक्चर जी स्टार इज सेट टू बी ग्रुप इफ द फॉलोइंग ऑक्सियम आर सेटिस्फाई। यानी जो कोई सेट है जी, वो इन ऑक्सियम्स को सेटिस्फाई करे तो उसको हम ग्रुप कहेंगे। और वो क्या ऑक्सियम है हमारे पास? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर ए बिलोंग्स टू जी है, बी बिलोंग्स टू जी है, तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी होगा। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है फ्रेंड्स? सेकंड है द ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव ऑन जी इफ ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है फ्रेंड्स? उसमें एक आइडेंटी एलिमेंट होता है, यानी ऐसा एलिमेंट होता है अगर उसको किसी और एलिमेंट पे हम ऑपरेट कराएं तो उससे ऑपरेट कराने पे हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो सेम एलिमेंट आ जाएगा। यानी जिस एलिमेंट पे हमने ऑपरेट कराया है वही एलिमेंट आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ए स्टार ई इक्वल टू ए, ये दिया हुआ है हमारे पास इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। E इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ स्टार एन जी। एंड उसके बाद फोर्थ हमारे पास वो है हमारे पास फ्रेंड्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इनवर्स एलिमेंट होता है हमारे पास कोई एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जिसको अगर हम उस पर दूसरे एलिमेंट पे दूसरे एलिमेंट्स के साथ हम उस पर लाइक कराएं, यानी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएं, जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन कराएं, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो आएगा वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आ जाना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं इनवर्स एलिमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम पढ़ सकते हैं सारे प्रॉपर्टी हमारे पास, यानी ग्रुप वर्ड क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रुप वर्ड होता है ए स्टार बी कोई ग्रुप वर्ड होगा अगर उसमें ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी लाइक करेगी। सेमी ग्रुप क्या होगा? अगर उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों उसमें एग्जिस्ट कर रही होंगी। मोनोइड होता है अगर उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तीनों प्रॉपर्टी ग्रुप लाइक कर रही होंगी। और ग्रुप जो होता है उसमें क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। और जैसे डेफिनेशन में कई बार हमारे पास पूछा जाता है सेमी ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी। तो सेमी ग्रुप की डेफिनेशन एक तो हम देते हैं, कोई ग्रुप जी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ सेमी ग्रुप होता है अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होता है। कई बार उसकी प्रॉपर हमारे पास डेफिनेशन इस तरह से दी जाती है, कोई ग्रुप वर्ड यानी ये ग्रुप वर्ड दे दिया, कोई ग्रुप वर्ड जी सेमी ग्रुप होता है अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इस तरह मोनोइड की डेफिनेशन सेमी ग्रुप से दी जाती है। सेमी ग्रुप से किस तरह से दी जाती है? कोई सेमी ग्रुप होगा वो मोनोइड होगा अगर उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा। और इस तरह ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या दे सकते हैं? कोई मोनोइड ग्रुप होगा अगर उसमें इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होगी। तो यहाँ से फ्रेंड्स इस तरह से हम डेफिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास आबेलियन ग्रुप। फ्रेंड्स आबेलियन ग्रुप क्या होता है? अ ग्रुप जी स्टार इज सेड टू बी आबेलियन और कम्यूटेटिव। यानी कोई ग्रुप जी होगा वो आबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव कहलाएगा अगर उसके जो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। यानी कि अगर जैसे स्टार की जगह प्लस है तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि उसको कम्यूटेटिव लॉ, यानी ए ए बी और बी ए, इस तरह से हमारे पास दोनों को चेंज करने पे हमारे पास रिजल्ट जो है सेम आए तो उस कंडीशन में कहेंगे वो ग्रुप जो होगा आबेलियन ग्रुप होगा। और ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है फ्रेंड्स? वो उसकी डेफिनेशन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यानी किसी ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है।
एन आइडेंटिटी, अगर जो ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा यानी उस किसी ऑर्डर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि जो ग्रुप है वो इनफाइनाइट ग्रुप है हमारे पास। एन इनफाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप, अब फ्रेंड्स ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो पढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स फर्स्ट हमारे पास लेट जी स्टार बी अ ग्रुप, देन द आइडेंटिटी एलिमेंट ई, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ग्रुप का, किसी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इनवर्स इन जी, यानी कि अगर जी में कोई एलिमेंट है ए तो उसका जो इनवर्स जो होगा वो यूनिक होगा। जैसे ए का एलिमेंट, ए का इनवर्स ए का इनवर्स जो होगा वो ए इनवर्स होगा, ऐसा नहीं होगा कि ए के दो इनवर्स मिल जाए, नहीं, हमें ए का सिर्फ एक ही इनवर्स मिलेगा ग्रुप में। उसके साथ ही हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी जो कह सकते हैं ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, आल्सो ए इनवर्स का जो इनवर्स होता है यानी कि ए कोई एलिमेंट है उसके इनवर्स का अगर इनवर्स लेते हैं तो खुद एलिमेंट ए होता है, और ए स्टार बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे ए स्टार बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स होगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो ग्रुप है वो आबेलियन ग्रुप होगा। इन जनरल, अगर जनरल में हम इसको किसी ग्रुप के मल्टीप्लाई को या एन टाइम उस पर ऑपरेट कराए हुए उसको हम इनवर्स निकालना चाहते हैं एलिमेंट्स का, तो वो निकालते हैं ए वन स्टार ए टू स्टार डॉट डॉट ए एन स्टार का इनवर्स निकालें, तो ए एन इनवर्स स्टार ए एन माइनस वन स्टार इनवर्स स्टार डॉट 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 ए टू इनवर्स स्टार ए वन इनवर्स, यानी कि उल्टे क्रम से उनका इनवर्स चालू हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास वो है फ्रेंड्स ए स्टार सी इक्वल टू बी स्टार सी, यानी जो ये जो प्रॉपर्टी होती है राइट कैंसिलेशन लॉ होती है, ए स्टार सी इक्वल टू बी स्टार सी है तो ए बराबर बी होगा, और उसके बाद लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होता है वो होता है सी स्टार ए बराबर सी स्टार बी है तो उस कंडीशन में ए स्टार बी जो होगा वो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होगा। और द लेफ्ट आइडेंटिटी इज ऑल्सो अ राइट आइडेंटिटी, यानी कि जो राइट एंड द लेफ्ट आइडेंटिटी इज ऑल्सो राइट आइडेंटिटी, अगर किसी कोई एलिमेंट है उसका कोई आइडेंटिटी ई है जो वो अगर लेफ्ट आइडेंटिटी है तो वो राइट आइडेंटिटी भी होगी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट्स का लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या ऑपरेट कराएं या राइट से ऑपरेट कराएं तो उस कंडीशन में वही एलिमेंट आएगा। उसके बाद फिफ्थ हमारे पास द लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो आ इट्स राइट इनवर्स, यानी किसी इनवर्स किसी कोई एलिमेंट का एक इनवर्स है वो लेफ्ट से इनवर्स हमारे पास हो रहा है तो वो उसका राइट से इनवर्स भी होगा, यानी ए का इनवर्स अगर बी है तो बी स्टार ए इक्वल टू ई होगा तो वहाँ पे ए स्टार बी इक्वल टू भी ई होगा। और सिक्स सेवन पास द इक्वेशन ए स्टार एक्स इक्वल टू बी एंड वाई स्टार ए इक्वल टू बी, ये है वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू जी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी विच इज विच आर जो इन ये जैसे ए स्टार एक्स बराबर बी है और वाई स्टार बी बराबर बी, ये जो जैसे ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन ए स्टार एक्स बराबर बी, ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन जो होगा एक्स बराबर जो होगा वो होगा हमारे पास ए इनवर्स स्टार बी, और साथ ही जो वाई स्टार ए बराबर बी का जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो होगा बी स्टार ए इनवर्स, यानी बी स्टार ए इनवर्स को एक एलिमेंट मिलेगा वो होगा इसका एक यूनिक सॉल्यूशन। उसके पास बाद हमारे पास फ्रेंड्स ये है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में ऑर्डर ऑफ किसी ग्रुप में एक एलिमेंट का ऑर्डर जो होता है वो उसी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सम के अंडर हो सकता है, कोई भी और ऑपरेशन हो सकता है, किसी के अंडर भी हो सकता है, मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखी है मैंने इसमें डेफिनेशन। लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, ए इज एनी एलिमेंट ऑफ जी देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, अगर कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन इस तरह से एग्जिस्ट कर जाए सच दैट ए एन बराबर ए की पावर एन, यानी मल्टीप्लीकेशन में लिया है तो ए मल्टीप्लाई ए एन टाइम, या और अगर सम में लिया है तो ए को एन टाइम सम करें, और किसी और ऑपरेशन के साथ लिया है तो उसको एन टाइम ऑपरेट कराने पर अगर ई मिल जाता है, और जो ई एन जो होगा वो छोटे से छोटा एलिमेंट होगा कि जिसके लिए ई मिल रहा है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एन है और इसको ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन लिखा जाता है। इन केस ईच ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट, इन केस अगर ऐसे कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो ऑर्डर है जो
ऑर्डर है उसका एलिमेंट का वो इनफाइनाइट है, और जो ग्रुप है वो भी इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा और जीरो ऑर्डर का कह सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट रिजल्ट एंड ऑर्डर, यानी कोई ऑर्डर पे जो रिजल्ट होते हैं इम्पोर्टेंट जो पूछ जाते हैं हमसे, वो है हमारे पास द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट, यानी कोई एलिमेंट है ऑर्डर है वो, सॉरी द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, यानी कोई फाइनाइट ग्रुप है हमारे पास जी, तो उसके हर एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो फाइनाइट होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो किसी एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट आ जाए। सेकेंड है हमारे पास इफ द एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर एन देन ए की पावर एम बराबर ई होगा इफ एंड ओनली इफ एन इज ए डिवाइजर ऑफ एम, यानी कि कोई एलिमेंट है ए उसका ऑर्डर हमारे पास एन है, तो उस कंडीशन में जो एम जो होगा कोई अनदर नंबर एम होगा वो ए की पावर एम बराबर ई होगा, यानी ए को एम टाइम ऑपरेट कराने पर जो भी हमारे पास ऑपरेशन है उस पर ऑपरेट कराने पर तो एम ई आता है, तो उस कंडीशन में जो एम जो होगा वो एन से डिवाइड होगा, यानी एन जो होगा एम का डिवाइडर होगा, ए एम बराबर ई देन एम बराबर एन क्यू लिखा जा सकता है, फोर क्यू क्यू बिलोंग्स टू जी जेड एंड आल्सो इफ एम बराबर एन क्यू देन ए एम बराबर ए एन क्यू बराबर ई ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, यानी ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो इसके इनवर्स के इक्वल होगा, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। उसके बाद है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए आर, यानी कोई एक एलिमेंट है और ये है एलिमेंट उसको हम आर टाइम ऑपरेट करा चुके हैं तो उसका ऑर्डर चेक कर रहे हैं, तो लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए होगा फॉर एलिमेंट एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, आई ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इंटीजर पावर ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए, आल्सो ऑर्डर ऑफ ए आर इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, यानी ऑर्डर ऑफ ए आर जो होगा वो ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करेगा। अगर अगर आर जो है फ्रेंड्स आर ए की पावर आर, यानी जो आर है और ऑर्डर ऑफ ए यानी जो मान ले एन है, तो अगर वो दोनों हमारे पास प्राइम है को प्राइम है तो उस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए आर होगा, ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी वेयर ए ए बी आर टू एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर ऑर्डर ऑफ बी ए फॉर एनी टू एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू जी, और ऑर्डर ऑफ ए हमेशा ऑर्डर ऑफ जी यानी ऑर्डर ऑफ ए जो होगा हमेशा ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। इफ ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन देन ए की पावर एन बराबर ए, यानी ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन है तो ए की पावर एन बराबर तो हमेशा ई होगा, उससे पहले भी मिल सकता है पर ऑर्डर ऑफ एन सॉरी ए की पावर एन यानी एन टाइम ऑपरेट करने पर ये डेफिनेटली मिलेगा। इफ ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी बराबर एन वेयर पी इज प्राइम, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद 10 है हमारे पास, 10th है वो प्रॉपर्टी है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी हैज इट्स ओन इनवर्स देन ग्रुप मस्ट बी आबे, यानी कोई एलिमेंट है कोई ऑर्डर है ग्रुप है और उसका जो इनवर्स है वो खुद पूर्ण नंबर है, तो उस कंडीशन में वो ग्रुप जो होगा आबेलियन जरूर होगा। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप इज लेस देन इज इक्वल टू 5, यानी किसी एलिमेंट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 5 से कम है तो उस कंडीशन में वो ग्रुप 5 या 5 से कम होंगे तो उस कंडीशन में वो ग्रुप जो होगा आबेलियन होगा, यानी मिनिमम नंबर नॉन आबेलियन के लिए 6 होता है। इफ ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी देन ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर 2, अगर ये हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी और ऑर्डर ऑफ ए बराबर 2 है देन ए बी बराबर बी ए का इसका मतलब जो ग्रुप है वो आबेलियन होगा। इफ जी इज अ ग्रुप सच दैट ए बी की पावर एम बराबर, यानी ए बी को एम टाइम ऑपरेट कराया तो ए एम बी एम देन जो ग्रुप होगा वो आबेलियन ग्रुप होगा फॉर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो ये भी हमारे पास प्रूव कर सकते हैं ग्रुप जी इज आबेलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर